नमस्कार, मैं हूँ आयुषी मिश्रा और मेरे खास कार्यक्रम जनसंवाद में आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश कर दिया गया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए हर सेक्टर के लिए बहुत सारे सौगात दिए हैं, लेकिन ऐसे में अब जनता से जानना बेहद ज़रूरी है कि जो बजट पेश किया गया है इनसे इनको कितनी उम्मीदें हैं, बजट पर इनको क्या लगता है कि महंगाई कम होगी, मार्केट का क्या हाल रहेगा। बजट देखा है आपने? नहीं मैडम, हमने तो नहीं देखा। अच्छा, ये जो 7 लाख से नीचे कमाने वाले लोग हैं उनको अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा? महंगाई तो इतनी हो रही है, किसकी 10,000, किसकी 12,000, किसकी 13,000 तनख्वाह होती है मैडम जी। मतलब लोग 5 लाख तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। नहीं पहुंच पा रहे हैं 5 तक। अच्छा, सरकार जो वित्त मंत्री है वो कह रही थी कि अब लोगों का जो कमाई का जरिया है वो दोगुना हो गया है, दोगुना स्पीड से लोग कमा रहे हैं। एक कहाँ कमा रहे हैं, 2 लाख भी नहीं कमा रहे मैडम, 10,000 12,000 कमा रहे महीने में। अच्छा हाँ, ये तो बजट नहीं देखे लेकिन इन्होंने अपनी एक राय दे दी है। एक महिला बैठी हुई है आपके लिए, एक आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए एक बजट में एक योगदान दिया गया है, महिला सम्मान बजट। बचत बाहर से है? कहाँ से? इसी देश से? इसी यूपी, इसी देश से? बजट तो पूरे देश के लिए लागू होता है। आप लोगों के लिए सरकार ने एक प्रावधान दिया है कि अब आप 2 साल के लिए 2 लाख रुपए जमा करेंगी और उस पर आपको 7.5% ब्याज मिलेगा। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हमको क्या बताएं, आपके लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए? अच्छा अच्छा, नहीं हमने अभी तक समझा नहीं भाई। हाँ तो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। सरकार कह रही है कि जो हाउसवाइफ हैं, जो गृहिणी हैं, वो अपने पति के, अपने बच्चों के पैसे बचाती रहती हैं। अब वो अपने अगर वो पैसे बैंक में डालती हैं और इस योजना के तहत डालती हैं तो उनको 7.5% से ज़्यादा वो मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अच्छा हाँ, तो क्या लगता है सरकार सोच रही है आपके बारे में? पता नहीं, फ़ायदा होगा या नहीं? अच्छा सोच रही है, खराब ये तो हम बता नहीं सकते। अच्छा तो मतलब चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से जानते हैं बजट को लेके। सरकार 7 लाख तक का छूट दे दी है टैक्स में। देश ठीक से नहीं चल रहा है जी। इनके छूट के घोषणाओं से कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक लोक लुभावन नारे देने से कुछ नहीं होगा, इनके पास कोई अर्थशास्त्री नहीं है। निर्मला सीतारमण तो है इस देश के अर्थशास्त्री, मंत्री हैं, अर्थशास्त्री नहीं है। अच्छा, वित्त मंत्री होके भी अर्थशास्त्री नहीं है, अर्थशास्त्री चाहिए इनको जो देश की बजट को चलावे। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि जो बजट आया है वो लोक हित में आया है, हर वर्ग के बारे में सोचा गया है, चाहे वो बुजुर्ग हो, आप लोगों के लिए भी जी आप लोगों के लिए भी बहुत सारे प्रावधान दिए गए हैं। क्या लगता है सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही है? यह सरकार किसके बारे में सोच रही है हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्या लगता है 2024 के चुनाव के लिए दिया गया है ऐसा बजट? 2024 चुनाव की तैयारी के लिए ऐसा बजट दिया गया है? सवाल प्रश्न चुनाव का नहीं है, प्रश्न है कि जनता का लोकतंत्र पर से विश्वास उठ रहा है व्यवस्था के कारण। बुरी स्थिति यह है मैडम कि लोकतंत्र पर से जनता का विश्वास ही खत्म हो रहा है। व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, जो 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 रेल के टिकटें 1300 में बिकती थी तो 4300 में बिक रही हैं। मैं कहूं तो जो जोड़े के दाम थे सो तो घोड़े के हो गए, जो जोड़े के दाम थे सो थोड़े के हो गए और जो घोड़े के दाम थे सो कोड़े के हो गए। महंगाई इस कदर बढ़ रही है, महंगाई की आपने बहुत अच्छी परिभाषा दे दी है यहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है सरकार जो बजट पेश की है, कहीं ना कहीं कुछ वर्ग के लोग खुश हैं, कुछ वर्ग के लोग नाराज हैं, लेकिन इससे मार्केट पे क्या उछाल मिलेगा, क्या महंगाई पे असर कम होगा, कुछ लगता है? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, कहीं कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं है धरती। लॉलीपॉप ही समझा जाए इसको। अच्छा, लॉलीपॉप ही समझा जाए, ऐसा कहीं कुछ दिखता है क्या? हम लोग त्रस्त हैं, दवा के बिना त्रस्त हैं, पढ़ाई के बिना त्रस्त हैं, रोटी के बिना त्रस्त हैं। और लोगों से जानेंगे, आपने 7 लाख तक छूट दी गई है इस बार टैक्स में? पता नहीं, 7 लाख तक छूट दी गई है टैक्स में इस बार। क्या लगता है ये कैसा डिसीजन है?
वेरी गुड डिसीजन, वेरी गुड। और इस बार के बजट से क्या लगा? बजट जो भी थोड़ा बहुत आपने देखा होगा। बहुत अच्छा लगा, आई एम सो हैप्पी, बट आई एम जस्ट टाइम कॉन्स्टेंट है, मुझे देर हो गई, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ सीतारमण। महिलाओं के लिए भी एक योजना निकाली गई है, महिला समान बचत पत्र, क्या लगता है इससे देश की कई महिलाओं को कितनी मदद मिलेगी? वॉट एवर शी डज शी इज वेरी वेल प्लान, वो जो भी करती है बहुत अच्छा करती है। I have lots of things to say, but I am hard pressed for time. कोई बात नहीं, ये खुद निर्मला सीतारमण की बहुत बड़ी फैन थी, तो इनका कहना है कि वो जो भी फैसले ले रही हैं वो सही ले रही हैं, लेकिन ऐसे में और लोगों से चल के जानते हैं कि बजट देखा आपने? अच्छा, 7 लाख तक अब टैक्स में छूट मिल रहा है, क्या कहेंगे? एक मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। बढ़िया है मैडम, बढ़िया रहेगा, ये छूट मिल रहा है तो। लेकिन महंगाई पे कुछ असर पड़ेगा इस बार के बजट से? महंगाई तो बहुत है मैडम। तो इस बार जो बजट आज जो पेश किया गया है, क्या बजट देखे नहीं अभी हमने? अभी देखा ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से जानते हैं कि बजट पे उनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी, इस बार बजट पे 7 लाख तक का टैक्स रिबेट मिल रहा है, क्या लगता है ये, आप इसको किस नजर से देख रहे हैं? मैं न्यूज़ देखा ही नहीं, जस्ट आज, पता ही नहीं मेरे को बजट आज आया है कि नहीं, पता नहीं। अच्छा, 1 फरवरी को बजट आता है ये तो फिक्स पता है तो डेफिनेट। हाँ, ऐसे में आज जो बजट आया है उसमें निर्मला सीतारमण जी ने एक नया टैक्स स्लैब बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 लाख से ऊपर अब टैक्स काउंटिंग होगा, और जो पहले 5 लाख से ऊपर लोग जो टैक्स दे रहे थे वो बढ़ा के 7 कर दिया गया है, कि 7 लाख से नीचे कमाने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना। तो अच्छा है ना, 7 लाख से नीचे कमाने को टैक्स नहीं देना है जी, तो ये तो बेटर हुआ और आम जनता के लिए, जो जितना अर्निंग करते हैं उसका टैक्स बचेगा उनको। आपको सही लग रहा है? जी राइट। जो बंदा जॉब कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जिसके अपने खर्चे मिडिल क्लास से नीचे को छोड़ दो, मिडिल क्लास को पकड़ो और उसके ऊपर अगर आप पकड़ोगे, जिसका CTC 7 लाख और उसके ऊपर है, उस पर तो कोई असर ही नहीं पड़ा। आप देखेंगे पहले 7 लाख में था तो वो 2 लाख रुपये का, 1,56,000 रुपये तक का अपना HR का पैसा लगाता था, वो अपने दूसरे टैक्सेशन बचा लेता था क्योंकि वो उसके खर्चे होते थे। आज वो तो हटा दिया सिस्टम से, तो उल्टा आप देखोगे तो 2 से 3% का ऊपर बढ़ गया है बजट, कम नहीं हुआ है। तो जो ये सरकार जो दिखा रही है और जो कह रही है कि हम 7 लाख तक एक बहुत बड़ा छूट दिए हैं मिडिल क्लास वालों को, पहले 5 लाख पे उनको टैक्स पे करना पड़ता था, बट जो ATC और HR जो आपने अभी मेंशन किया है उसको हटाने से क्या बात बराबर हो गई? बात बराबर नहीं है, 2 से 3% का नुकसान है उल्टा। और मैं एक चीज़ बताऊं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, आपने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में आप अकेले ही हो, आपको पता है, तो आप CTC अपने हिसाब से मांगते हो। यहाँ पे आज हमारे साथ वही हालत है, हमारे पास मोदी जी के अलावा और BJP गवर्नमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, पर वहाँ पर भी कोई परिपक्व नेता नहीं है, अपोजिशन में कोई लीडर नहीं है। उसका सबसे बड़ा नुकसान हमको आज यही हो रहा है जो बजट में हुआ। अपोजिशन में कोई अच्छा नेता होता, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे पहले, वो भी चले गए BJP में, तो अपोजिशन में कोई ऐसा लीडर ही नहीं जो हमारे लिए आवाज़ उठाए। तो हमारे पास तो अभी ऑप्शन ही नहीं, अगले साल भी हमको मोदी जी को ही वोट देना है। मतलब अच्छा, एक सवाल और बनता है कि बजट देख के क्या लगता है कि जो पूरा बजट डिज़ाइन किया गया था, जो ग्राफ किया गया था, जो प्रेजेंट किया गया है, क्या ये नेक्स्ट ईयर के इलेक्शन को दिमाग में रखते हुए किया गया है? वही है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है पर झोली में कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? ऋषभ मोहन। ऋषभ, क्या लगता है आज जो बजट पेश किया गया है वो कितना आम जनता के हक में किया गया है, क्योंकि आम बजट है आप लोगों के लिए? मेरी तरफ से मतलब बजट सोसो है, कुछ ऐसा ना बहुत खास है ना मतलब एकदम डिग्रेड ही कर सकते हैं उसको। तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और प्लस साथ में 100 मेडिकल कॉलेजेस खुलने की बात करी है ना, जिसमें आई थिंक 80 नर्सिंग के आसपास, 120 की बात हुई आई थिंक ना, तो उसमें ज़्यादातर नर्सिंग कॉलेजेस हैं, और प्लस साथ में हॉस्पिटल्स की भी कुछ बात हुई है बनाने की, और रेलवे के ऊपर भी आई थिंक काफ़ी है ना रेलवे, और प्लस साथ में ओवरऑल जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर टैक्स को 4 करोड़ आई थिंक उसके लिए रखे गए हैं। टैक्स लैब में जो चेंजेस किए गए हैं उसको आप कैसे देखते? नहीं, मेरे को जो था यही पता था कि जो 7 लाख तक की लिमिट है वो कर दी गई है, लेकिन मुझे ये चीज़ अभी आपसे पता चली है कि उन्होंने HR का और वो हटा दिया है ना। हाँ, तो फिर तो एक तरह से ये बैलेंस ही हो गया, क्योंकि उधर जितना बचाते थे, बस ये है कि डॉक्यूमेंटेशन बच जाएगी उतनी, इतना ही रहेगा। हाँ, तो उसमें कुछ नया नहीं है ऐसा। अच्छा, क्या लगता है इस बार जो बजट BJP गवर्नमेंट ने पेश किया है, ये आखिरी बजट है उनके इस पूरे गवर्नमेंट इसका, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो क्या लगता है बजट को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था या प्रेजेंट किया गया है, वो कहीं ना कहीं उसके इलेक्शन पे भी को दिमाग में रखते हुए किया गया है?
नहीं, मुझे इस तरह का कुछ लगा नहीं है कि उसको दिमाग में रख के किया गया है। वैसे तो करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसा है ही नहीं इसमें कि बाकी बजट से जो कुछ बहुत ज़्यादा अलग हो रहा है। अच्छा। है ना, लाइक 1991 वाले अगर हम बजट की बात करें जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने निकाला था, मतलब बीजेपी सपोर्टर और वोटर हूँ वैसे, बट फिर भी कुछ ऐसा नहीं है, जो चीज़ सही है उसी है, मतलब नॉर्मल बजट ही है, इतना कुछ खास नहीं है। हम लगातार ये जान रहे हैं कि इस साल के बजट से लोगों के पॉकेट पर और मार्केट पर कितना असर पड़ रहा है, और ऐसे में एक रैंडम सीए हमारे साथ टकराया है और इनसे चल के जानते हैं कि बजट को लेके जो आम व्यक्ति अभी सोच रहे हैं और जिस अट्रैक्टिव वे में उसको पेश किया गया है, पब्लिक फ्रेंडली कहा जा रहा है, क्या लगता है उतना ही पब्लिक फ्रेंडली है ये? देखिए, बजट जो है ना ये जनता के लिए लाया गया है। हाँ। और ये जनता का ही बजट है। मेरा मानना है कि ये अब तक के लाए गए सारे ही कार्यकालों में, भाजपा के सारे कार्यकालों में, ये सबसे अच्छा बजट है। यहाँ साधारण पब्लिक को और साधारण जो भी टैक्स पेयर जनता आपसे पहले की रही है, जिन्होंने अभी तक का इतना ज़्यादा टैक्स का बेनिफिट नहीं उठाया, वो यहाँ दिया गया है। इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी बेनिफिट्स दिए गए हैं। अगर आप इनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे तो इन टोटैलिटी आपको लगेगा कि हमारा इंडिया एक ग्रोथ पाथ पर है, और बहुत सारी चीज़ें इतनी पॉजिटिव हैं कि अगर समझी जाए तो बहुत कुछ है, ना समझी जाए तो कुछ नहीं है। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल और है, जो आम पब्लिक है वो भी ये समझने की कोशिश कर रही है कि ये जो बढ़ा के 7 लाख का स्लैब किया गया है टैक्स पेयर्स के लिए, और वहीं दूसरी तरफ ATC और HR जो है, जो कहीं ना कहीं लोग टैक्स बचाने में लगे रहते थे, वो हटा दिया गया है, तो कहीं बात बराबर तो नहीं पड़ रही है? ये जनता का क्वेश्चन है। देखिए, इसको हमें ये समझना चाहिए कि जो सरकार है उनका बजट का प्रस्पेक्टिव क्या है। जो ये लुभावनी चीज़ें बताकर देना और उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना देना और लेना, वो उन चीज़ों से दूर हटना चाहती हैं। ये न्यू टैक्स रिजीम ऑलरेडी प्लेस है, पहले कई सालों से चल रही है, पिछले 2 साल से चल रही है, अब ये नया तीसरा साल होगा। जनता के पास ये ऑप्शन है कि वो न्यू रिजीम को ऑप्ट करे या ना करे। अब अगर ये ऑप्ट की जाती है तो उसमें ये सारे बेनिफिट्स हैं, और स्लोली हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कि जहाँ पर हम कोई बेनिफिट ना दें और हम बहुत कम रेट ऑफ टैक्सेशंस इंडिविजुअल्स से टैक्स में लें। जो सैलरीड लोग हैं उनका एक बड़ा दिमाग में एक बर्डन चला करता था कि हम एक्चुअली सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, इसके बहाने से वो चीज़ें अब ख़त्म होंगी और एक नया मेंटेलिटी ग्रो होगी, वो बहुत अच्छी बात है। ये जो न्यू टैक्स रिजीम है और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, इसमें क्या है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट नहीं करते हैं तो क्या आप अभी भी 5 लाख के अंदर में ही रहेंगे? देखिए, आपके ऊपर है, अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम को ही कंटिन्यू रख सकते हैं, और एक बार स्विच करने की आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में एक बार ऑप्ट कर लेते हैं तो आप वापस ओल्ड में आ सकते हैं एक बार। बिजनेस पर्सन लेकिन वापस नहीं आ सकते? हाँ, नहीं नहीं, कोई भी आ सकता है। अब देखिए क्या है, बेनिफिट की एनालिसिस की जाएगी, बेनिफिट अगर किसी को नज़र आता है तो वो जाए, अदरवाइज तो मेरा मानना ये है कि लॉन्ग टर्म में जिसकी भी इनकम हायर इनकम ग्रुप में, उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल है। जी, मिडिल क्लास के लिए या एब्सोल्युटली बहुत अच्छा है। देखिए, 7 लाख तक की इनकम को एक्चुअली टैक्स फ्री है। 7 लाख तक एक जनता की मानना है कि जो जनरली लोग 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाया करते हैं, ये कमाया करते आने वाले टाइम में कमाएंगे, उनके ऊपर टैक्स का कोई बर्डन ही नहीं है। जी। और अगर बर्डन है भी किसी भी सेंस में आ जाता है तो वो अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं इजीली। वन लास्ट क्वेश्चन, बीइंग अ सीए, आप इस पूरे बजट को कैसे देखते हैं, क्या लगता है ये मार्केट फ्रेंडली भी उतना ही ज़्यादा होगा, इससे GDP में भी ग्रोथ आएगा? देखिए, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मैं प्रोफेशनल बिल्कुल इम्पार्शल हूँ, मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि मैं एक इम्पार्शल प्रोफेशनल हूँ, इम्पार्शल ही बात करूँगा। तो देखिए, ये बजट को देखकर मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि सरकार ने बहुत छोटे छोटे से पॉइंट को ध्यान में रखा है, और उन सारी चीज़ों से जिनसे कि कोई गलत कभी सोचता है, करता है या करने की भावना रखता है, वो सब ख़त्म किया गया है। और जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, इंडिविजुअल्स के लिए भी हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए भी हैं। तो इन टोटैलिटी तो मैं आउट ऑफ 10 ही मार्क्स दूंगा। मतलब बीजेपी का अभी तक का बेस्ट बजट रहा है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो आपने इनसे जाना, ये खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनका साफ कहना है कि अगर बजट को देखा जाए तो इस बार हर क्लास, हर व्यक्ति को दिमाग में रखते हुए बजट पेश किया गया है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो नौजवान हो, हर किसी के लिए बजट में कुछ ना कुछ सौगात तो ज़रूर दी गई है। और ऐसे में अगर टैक्स पेयर्स की बात करें तो उनके लिए जो 8 सालों से जो ये मांग की जा रही थी कि हमें थोड़ी सी रियायत दी जाए, थोड़ी सी छूट दी जाए, वो छूट फाइनली
आखिरी बजट में, अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में बीजेपी सरकार ने अपनी जनता को खुश कर दिया है कि चलो 8 साल से आपने मांग की थी, आज हम आपकी टैक्स में ये छूट देते हैं और 7 लाख का उन्होंने स्लैब कर दिया है। लेकिन ऐसे में और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस पे। हम लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट को लेकर मार्केट में क्या खलबली मची है, क्या चर्चा चल रही है। और ऐसे में अभी हम एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के शॉप में आए हैं, एक शोरूम में आए हैं, और इनसे जो यहाँ के ओनर हैं उनसे जानते हैं कि बजट इनके लिए कितना फ्रेंडली हुआ है, क्या लगता है इस बार के बजट से आपके मार्केट पे, आपके व्यवसाय पर कितना असर पड़ेगा। बजट अच्छा बजट आया है और इससे मार्केट में काफ़ी ग्रोथ आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह के प्राइस काफ़ी डाउन हो जाएंगे, तो बजट तो अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मतलब बट थोड़ा सा जो 7 लाख वाला जो प्रोविजन गवर्नमेंट ने बताया कि 7 लाख रुपए पे टैक्स फ्री है जी। वो थोड़ा कॉन्सेप्ट वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अच्छा, वो नहीं समझ में आ रहा। हाँ, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ इसमें डाउट है। जो ये कहा गया है कि ये न्यू टैक्स रिजीम है और जो ओल्ड टैक्स रिजीम था वो डिफरेंट है, आपके ऊपर है कि आप नया टैक्स रिजीम अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं। लेकिन ऐसे में ये कह रही है सरकार कि 7 लाख के नीचे जो भी कमाने वाले लोग हैं उनका टैक्स फ्री है, तो क्या लगता है ये बड़ी राहत है आप लोगों को? ये बहुत बड़ी राहत है और इससे देश में हर व्यक्ति की आमदनी बढ़ेगी। ठीक है। हाँ, जो लोग चोरी करते थे, मतलब 3 लाख रुपए की आमदनी या 4 लाख रुपए की आमदनी होने के बाद अपना टैक्स नहीं शो करते थे, वो सब लोग इस दायरे में आ जाएंगे और सब लोग खुल के टैक्स देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करूंगी, ATC और HR के तहत जो टैक्स पेयर टैक्स बचा लेते थे, कभी फैमिली के लिए इंश्योरेंस ले लिए, कभी लोन ले लिए तो उसमें टैक्स बच गया, लेकिन अब ये ATC और HR के तहत जो भी टैक्स आप बचा पाते थे वो अब नहीं बचा पाओगे, सीधे सीधे टैक्स आपको सरकार को देना पड़ेगा। हाँ, नहीं, 7 लाख की इनकम होने के बाद उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Okay. उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छा स्लैब हो गया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी राहत का पैकेज दिया है। लंबे समय से आप लोग मांग भी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था जी। बट काफी लेट हुआ है ये। सीतारमण जी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, अच्छा, एक अगले साल चुनाव है, ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, क्या लगता है? हर वर्ग के बारे में सोचा जा रहा है, महिलाओं के लिए अलग योजनाएं लाई जा रही हैं, बहुत बहुत सेक्टर्स में ध्यान दिया गया है, क्या इसको हम चुनावी बजट भी कह सकते हैं? देखो, चुनावी बजट कहना गलत होगा, ये तो एक ये है कि सबका साथ सबका विकास। गवर्नमेंट कभी भी चुनाव के को मद्देनजर करके नहीं बनाती कोई भी बजट। मेन तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि देश का विकास हो रहा है जी। और चारों तरफ से विकास हो रहा है, मतलब जो 70 साल में कभी विकास नहीं हुआ वो विकास अब हो रहा है और लोगों को दिखाई भी दे रहा है। मतलब आने वाला समय गोल्डन चांस है इंडिया के लिए जी। ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा जो है ऑनलाइन के बारे में सोचना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने काफ़ी डिस्टर्ब किया है मार्केट को, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इससे काफ़ी डेंट आ रहा है, तो गवर्नमेंट को इस पे भी कोई कड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। लेकिन सरकार ने इस बार फिर से डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और कई योजनाओं पे लागत लगाई है, क्या लगता है इससे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जो आप लोगों की मार्केटिंग है, इस पे कितना नुकसान पड़ता है? न, डिजिटल प्लेटफॉर्म होना गलत नहीं है, बट प्राइस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो प्राइस लोग गलत डालते हैं या गलत तरीके से परचेजिंग करके या जो रिटर्न आता है, प्राइस के रेगुलेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि अभी है नहीं। तो प्राइस की जीरो रेगुलेशन है, कोई किसी का कोई वहाँ पे किसी भी कंपनी का या किसी भी जो भी वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट है, जो भी प्लेटफॉर्म है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, वहाँ पे वो लोग अपना अपने आप जो भी बायर्स हैं या फिर उनकी बल्क बाइंग है, ऑब्वियसली हम लोग इतनी बल्क बाइंग नहीं है जितनी उनकी बल्क बाइंग है, तो प्राइसिंग बहुत बड़ा मैटर है क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी परचेज रेट है वो उनकी सेलिंग रेट है आज की रेट में, तो हम कैसे बेचें यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि जो आज अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सामान बिकता है और जो कंज्यूमर उसको यूज करने के बाद वापस करते हैं, तो कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी नुकसान होता है उससे, और एक थेफ्ट की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। कस्टमर ने अमेजोन पे सामान मंगवाया, उसको यूज करा, उसको वापस कर दिया या अपना पुराना सामान वापस कर दिया, मतलब इस तरह की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर चोरी की भावना भी बढ़ रही है जी। तो मतलब इसको सही करा जाना चाहिए और इस पे एक अच्छा कानून बनना चाहिए जी। थैंक यू। तो आपने इनका जाना, ये एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस का शॉप था और यहाँ पे हर तरह के, चाहे वो हीटर हो, गीज़र हो, एसी हो, फ्रिज हो, हर कुछ यहाँ मिलता है, और आपने इनकी राय जानी। हम और लोगों से बात कर रहे हैं, हम हर तबके के लोगों के पास जा रहे हैं देखने के लिए कि आखिर उनके लिए कितना फ्रेंडली है। तो अभी हम एक कपड़े की दुकान में हैं जहाँ पे ब्लैंकेट, बेडशीट सब कुछ मुझे दिख रहा है बिकते हुए, यहाँ पे कपड़े भी सस्ते हुए हैं,
ये आज के बजट में पता चला है, क्या लगता है उससे आपके मार्केट पे कितना असर पड़ेगा? कुल मिला के बजट अच्छा रहा है और सभी के लिए जी खुशहाली सब जगह आएगी, तो उससे वो कपड़े वाले को भी, इलेक्ट्रॉनिक वाले को भी, सभी को फायदा होगा जी। तो सभी अच्छा, ये टैक्स में जो अभी जो इतना बड़ा बदलाव आया है, 5 से 7 लाख किया गया है, फिर 2.5 से 3 लाख का स्लैब बढ़ाया गया है, ये पिछले 8 सालों से आप लोग मांग कर रहे थे, फाइनली ये चीज किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? अच्छा है, अच्छा रहा, बढ़िया रहा, इस बढ़िया रहा जी। खुश है, मतलब जो भी जिनका जो भी व्यवसाय है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हों, कपड़े वाले हों, सब काफी खुश नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, इनका कहना है कि बजट ऐसा रहा है कि इससे हमारे मार्केट में ग्रोथ तो दिख रहा है हमें साफ तौर पे। आप देख सकते हैं कि ब्लैंकेट और बेडशीट्स का दुकान है, अब ऐसे में हम टॉय शॉप है यहाँ पे, उसमें भी जाएंगे क्योंकि टॉयज भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हुई है। ये किनका दुकान है? आपका दुकान है। अच्छा, आज बजट आया है, बजट पेश किया गया है, आम बजट आप लोगों के लिए, ऐसे में खिलौने सस्ते हुए हैं, क्या लगता है आपके आपके मार्केट पे इसका कैसा असर पड़ेगा? पता नहीं, हमने समझ तो हमने क्या? हम समझ नहीं आ रहा हूँ, आपको बोलो बोल देना। अच्छा, आपको बजट नहीं समझ में आ रहा है? बता दो। नहीं मालूम है, नहीं नहीं अभी ये देखा नहीं है मैंने, अब न्यूज में देखूंगा तब। चलिए कोई बात नहीं, मैं आसान भाषा में एक सवाल पूछती हूँ कि आप खिलौने बेचते हैं, खिलौने का दुकान है, अभी ये जो आप 500 रुपये में बेच रहे थे, अब सरकार के अनुसार आप जहाँ से मान लीजिए कि 200-250 में खरीद रहे थे, अब वहाँ से भी आप सस्ता खरीद पाएंगे और इनका मार्केट में दाम कम हुआ है, तो क्या लगता है इसका बिक्री अब बढ़ेगा? इसकी बिक्री बढ़ेगा, सस्ते होंगे तो बिक्री बढ़ेगा मैडम जी, हमें सस्ता मिलेगा हम भी सस्ता देंगे, महंगा मिलता है तो महंगा देते हैं। ये वो दुकानदार हैं जो खिलौने का इनका दुकान है, काफ़ी खूबसूरत सॉफ्ट टॉयज हैं इनके पास, लेकिन हालांकि बजट समझना बेहद मुश्किल काम होता है, ये 1 घंटे 2 घंटे की बात नहीं है कि जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने भाषण दिया और हमें समझ में आ गया कि उन्होंने क्या कहा है, उसकी बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो समझनी पड़ती है, और ऐसे में इन लोगों को समय लगेगा, कल जब अखबार छपेगा तो शायद इन्हें पता चले कि इनके हक में क्या आया है और इनको क्या नुकसान आया है, ऐसे में और लोगों से जानेंगे। 2 मिनट आप लोगों से कुछ बात करनी है, आज बजट आया है, क्या लगता है कितना पॉकेट फ्रेंडली है आपके लिए? मैडम बजट तो ये बीजेपी गवर्नमेंट जो बजट देगी वो पॉकेट फ्रेंडली कैसे हो सकता है? अच्छा, टू बी फ्रेंकली, क्योंकि आज जो है ना बजट फ्रेंडली के साथ आज जॉब की बहुत ज़रूरत है, आप 10,000 रुपये में परिवार नहीं चला सकते, परिवार चलाने के लिए नोएडा जैसे शहर में कम से कम 30 से 35 हज़ार रुपये होना बहुत ज़रूरी है, और महंगाई इस कदर बढ़ रही है, हालांकि मोदी गवर्नमेंट ने काम बहुत अच्छे किए हैं, बहुत बढ़िया, नो डाउट, किसी गवर्नमेंट में ऐसे काम नहीं हुए जो मोदी गवर्नमेंट में हुए, सिर्फ एक ही कमी है जो मैं कहना चाहता हूं कि बेरोज़गारों को रोज़गार मिले, जो महंगाई है उस पर कंट्रोल मिले जी, बस जी। अच्छा, आज जो बजट पेश किया गया है इसमें एक टैक्स स्लैब जो है वो 5 से बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया है, ताकि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा अपना हाथ खोल पाए, मार्केट में खर्च कर पाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, मुझे तो उम्मीद लग रही थी कि 8 से 8.5 लाख रुपए तक होगा, लेकिन 7 भी किया तो बहुत अच्छा किया। अच्छा। ये मीडियम जो वर्ग है, हाँ, मध्यम वर्ग है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है जी, जी। अच्छा, जी। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए बहुत भी अलग अलग चीजें दी गई हैं, फंड दिए गए हैं, क्या लगता है अगले साल 2024 चुनाव है उनका आखिरी? 100% क्या पूरा बताएं? अरे मोदी सरकार के अलावा और कौन आएगी मैडम, मोदी जी के अलावा और कोई गवर्नमेंट आ नहीं सकती, जो काम मोदी जी ने किए हैं वो कोई और कर नहीं सकता इतने सालों में जी। 75 साल हो गए, 75 साल से क्या काम देखे आपने जो अब कुछ चंद सालों में देख लिए, तो मोदी जी के जय हो मोदी, घर घर मोदी, बस दैट्स इट। आप देख सकते हैं यहाँ पे मोदी जी का जो जादू है वो हर व्यक्ति पे नजर आता है कि घर 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 मोदी, जय जय मोदी, और ऐसे में यहाँ पे जिस प्रकार से इन्होंने बजट को भी कहा कि मोदी का बजट कभी अच्छा नहीं आया है, लेकिन सरकार मोदी की ही आनी चाहिए, इन्होंने फिर से ऐलान कर दिया कि अगले साल भी वापस से बीजेपी सरकार आ रही है, NDA सरकार आ रही है। बजट की बात करने चले थे, यहाँ 2024 की भविष्यवाणी शुरू हो गई है, और लोगों से जानते हैं कि उनके मन में बजट को लेकर क्या है। एक मिनट इनसे पूछते हैं, भैया बजट अनाउंस हुआ है, आम बजट सरकार जो करती है ना, मालूम नहीं है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अरे आप लोग के लिए भी तो बहुत कुछ किया गया है, हमें नहीं कुछ मालूम, नहीं पता।
यही दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों के हिस्से में जो चीज़ें आती हैं उनके बारे में ना तो इनको जानकारी है और ना ही इन तक पहुंच पाता है। ये एक दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इसीलिए इन्हें कोई मतलब नहीं कि देश में कौन सा बजट पेश किया जा रहा है, किन के हक की बात की जा रही है, क्योंकि इनको तो ऐसे ही अपना रोज़गार कमाना है और बजट आए या ना आए इनका रोज़ी ऐसे ही चलना है। तो हम लगातार मार्केट के हर सेक्टर में जाकर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस मार्केट के लिए इस बार का बजट अच्छा रहा है, कितना फ़ायदा कितना नुकसान। और ऐसे में अभी हम आए हैं मोबाइल फ़ोन्स के इस शॉप पे, आप शोरूम ही कह सकते हैं, और यहाँ पे हम उनके ओनर से बात करेंगे, क्योंकि देखा जाए तो मोबाइल की बैटरी सस्ती हो गई है, मोबाइल के कैमरा लेंस सस्ते हो गए हैं और मोबाइल भी सस्ती हो रही है। इसके अलावा टैक्स में भी एक बड़ा बदलाव आया है। इस बार के बजट को कैसे देखते हैं आप? बजट बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। टैक्स में जो बदलाव हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। सरकार बहुत अच्छा और सकारात्मक काम कर रही है, परंतु जो ऑनलाइन है उसने मार्केट को डंप किया हुआ है, ख़राब किया हुआ है जी। हम लोगों का ये कहना है कि हम लोगों को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया जाए कि जो मार्केट में प्राइस है वही ऑनलाइन प्राइस होना चाहिए। चॉइस आप लोगों की है, कस्टमर की है, उसको चाहे ऑनलाइन परचेज करे चाहे मार्केट से परचेज करे। बट ऑनलाइन कंपनियां जो अनैतिक रूप से अपना माल सस्ता बेचकर या नए नए ऑफर्स देकर कस्टमर्स को गुमराह करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उस पर सरकार को कुछ ना कुछ अंकुश लगाना चाहिए। डिजिटल इंडिया को जिस प्रकार से गवर्नमेंट प्रमोट करती आई हैं और डिजिटलाइज सब कुछ हो गया है, ऐसे में वन टिप पे आप कुछ भी ऑर्डर कर लेते हो, लेकिन ऐसे में ट्रेडिशनल मार्केटर्स जो आप लोग हैं, आप लोगों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट पड़ने वाली बात नहीं कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप एक सेम प्लेटफॉर्म दीजिए ना जी। ये चॉइस कस्टमर की है कि कस्टमर ऑनलाइन ले या मार्केट से ले, बट आप कस्टमर गुमराह मत कीजिए। आप 100 रुपये का सामान 100 रुपये में बेचिए और 100 रुपये के सामान को 90 रुपये दिखाकर 105 में मत बेचिए। ऑनलाइन क्या करता है कि 100 रुपये का सामान को दिखाता 90 रुपये, कस्टमर लेता है बाद में ये वो लगा के वो 105 का पड़ जाता है। बट जब एक बार पेमेंट आप पहले कर देते हैं, स्टॉक सामान बाद में आता है, तो कस्टमर के लिए मजबूरी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर पछतावा रह जाता है। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि कस्टमर्स को फैसिलिटी मिले अच्छी बात है, सब कुछ डिजिटल हो अच्छी बात है, परंतु मार्केट में भी तो कस्टमर हो। अब मार्केट में कस्टमर होगा नहीं तो हमारे टैक्स स्लैब में और इसमें उसमें आप बदलाव करते रहें, बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक तकलीफ भी है जो शायद आपको भी दिखाई दे रही होगी कि मार्केट में कस्टमर ही नहीं है। तो आपने इनसे जाना कि बजट का इन पर कितना असर है, और इनका एक निवेदन भी है सरकार से, खुद वित्त मंत्री से, कि अगर वो इंडिया को डिजिटलाइज कर रही हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केट में बैठे हुए लोग हैं, जो वही सामान इतना पैसा खर्च करके शोरूम खोल के बेच रहे हैं, तो इन तक भी जो ख़रीदार हैं वो पहुंचने चाहिए, और उसके लिए भी सरकार को कुछ सोचने की ज़रूरत है, वरना ये मार्केट ख़त्म हो जाएगा। बजट की बात करें तो इन सब के लिए इस बार का बजट मोदी सरकार का अभी तक का ये बेस्ट बजट रहा है, ये जनता का कहना है। जनता कह रही है कि इनके दोनों कार्यकाल में अभी तक का ये बेस्ट बजट इनके अनुसार रहा है। हर वर्ग के लिए मोदी सरकार ने कुछ ना कुछ सौगात दी है, और कहीं ना कहीं इससे मार्केट पर इसका बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल आपका बजट को लेकर क्या कहना है हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे हिंदी खबर के साथ, कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ, मैं आयुषी मिश्रा, दिल्ली।